जिन धर्म प्रभाविका परम पूज्य आरिका रत्न 105 श्री सृष्टि भूषण माता जी की प्रेरणा एवं मंगल आशीर्वाद से सृष्टि मंगलम परिवार के द्वारा कई संस्थाएं समाज व त्यागी व्रतियों की सेवा में कार्यरत है। ये संस्था साधु साध्वियों के लिए आहार विहार औषधि पिच्छी कमंडल व आवास की सुविधा देश के विभिन्न शहरों से सेवा दे रही है। प्रमुख रूप से श्री सिद्ध क्षेत्र सम्मेद शिखर जी अतिशय क्षेत्र श्री महावीर जी साथ ही साथ महानगर दिल्ली में संस्था द्वारा सेवा के सराहनीय कार्य हो रहे हैं। इस कार्य में आप अपनी सहभागिता सुनिश्चित करने के लिए अपनी चंचला लक्ष्मी का दान कर पुण्यार्जन करें। सहयोग राशि बैंक में जमा कराकर हमें अवश्य सूचित करें। सहयोग राशि जमा कराने हेतु बैंक खाता विवरण, खाता नाम श्री आदिनाथ सृष्टि धर्म प्रभावना समिति, बैंक का नाम पंजाब नेशनल बैंक, शाखा का नाम पटपड़गंज दिल्ली, खाता संख्या 3979001001316122, IFSC कोड PUN B039790। श्री समीन शिखर आदिनाथ आदर्श सेवा समिति, बैंक का नाम बैंक ऑफ इंडिया मधुबन पारसनाथ झारखंड, खाता संख्या 4809101000375, IFS कोड BKID 000489। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें 9660403861 8107961146। जेवर भी हंसते होंगे, अरे तुमने क्या तोड़ कर क्या बना लिया, हम तो तुम्हारी आत्मा को सोने सा देखने आए थे, तुम आत्मा को सोने सा तो बनाओ, हम दुनिया में तुम्हारे जहाँ चरण रखोगे वहाँ सोना रच देंगे, तुम जहाँ विराजमान होगे वहाँ समोसरण की रचना कर देंगे। तुम एक बार अपने आत्मा को सोना सा तो बनाओ। सोने का मतलब तुम ये मत करना कि तुम सोना ही, तुम्हें सोने की बात कही जाए तो सच बताना, तुम आत्मा को सोना सोचोगे कि सोना बनाने का सोचोगे? तुम सोना बनाने की ज्यादा भाव लाओगे? एक औरत ने कहा, भगवान मुझे सोना ही सोना दे दे। साधु ने कहा, सोच के मांगना। बोली, नहीं मुझे तो सोने का कर दो। अब सोने का है, बताओ खाएगी क्या? सोने की हो जाएगी तो खाएगी क्या? कोई छुएगा तो सोने का हो जाएगा। वरदान मांगा कि जो चीज को मैं हाथ लगाऊं वही सोने की हो जाए। अब रोटी को हाथ लगाए तो रोटी सोने की हो गई, अब पेट कैसे भरेगा सोने की रोटी से? ऐ जो चीज घर में हाथ लगाई वही सोने की हो गई। पता चला पति भी डर से दूर भाग रहा है, कहीं मुझे ना छू ले नहीं तो सोने का हो जाऊंगा। बच्चे दूर भाग रहे हैं, कहीं ना छू ले नहीं तो सोने का हो जाऊंगा। अरे ऐसा सोना मत मांगो जो तुम्हें बर्बाद कर दे। एक औरत ने सोने का बाजू बंद बनवाया, गरीब औरत थी, जैसे तैसे करके सोने का बनवाया होगा, थोड़ा बहुत सोना चढ़वा लिया होगा, उसमें पालिश वुलिस और बुलावा कराया। आप लोग सोच रहे बुलावा क्या, आप लोग मकान बनवाते हैं तब बुलावा नहीं कराते क्या? मकान का मुहूर्त करते हो, मुहूर्त क्या है? ये तुम्हारे अहंकार की पुष्टि है कि लोग कहें क्या मकान बनवाए, क्या मकान है। सच बताना तो मकान अपने रहने के लिए थोड़ी बनाते हो, मकान तो तुम इसलिए बनाते हो कि लोग कहें क्या सुंदर मकान बना है। आप इसलिए मकान बनाते हो और कहते हैं कि वो मकान झोपड़ी में उसने बाजू बंद बनवाया था, और आपके भी मकान बनते रहते हैं बाजू बंदों की तरह, तो मकान बनवाया और आपके यहाँ बहुत अच्छी पार्टी भी देते हो, लेकिन सच बताना उस दिन पार्टी में कोई खा कर चला जाए, पार्टी में कोई खा कर चला जाए और आपसे ये नहीं कह जाए कि बहुत अच्छी कोठी बनवाई, तो सच बताना तुम्हें रात भर नींद आएगी क्या? तुम कहोगी इससे अच्छी तो पार्टी नहीं देते, इतनी मेहनत से मकान बनवाया और कोई ये तक नहीं कह गया कि वह क्या कोठी बनाई है। और लोग भी ऐसे ही हो गए, वो भी बेचारे कही जाते शर्म की सौदा, अच्छा नहीं लगे तब भी कहते बहुत बढ़िया मकान बनाया,
क्योंकि आदत पड़ी है लोगों को, वो तुमसे कहेंगे तुम उनसे कहोगे। एक गांव की महिला ने भी बाजू बंद बनाया और कहते हैं कि उसने छोटा मोटा बुलावा कराया। पहले तो लोग बतासे दे देते थे और बतासे में जो आनंद था, आज गिफ्ट में भी आनंद नहीं है। सच बताना, जब बतासे भी मिलते थे ना तो लोग लाइन में खड़े होकर हर महिला बतासे लेकर जाती थी। यदि महिलाओं को पहले कटोरी से छोटे बतासे चलते थे और बड़े बतासे होते तो चार चार मिलते थे, तो बच्चों को भी थोड़े थोड़े बतासे मिलते थे। और उन दिनों का आनंद कहो जब बच्चे घर पर आकर तुरंत बतासे खा लेते थे। आज मिठाइयाँ पड़ी हैं, उनमें फफूंदी चढ़ रही है, उन्हें खाने वाला कोई नहीं है। क्योंकि जैसे जैसे कलयुग बढ़ेगा, जैसे जैसे काल का प्रभाव आएगा, बल घटेगा, बुद्धि घटेगी, विक्रम घटेगा, अग्नि घटेगी, जल घटेगा, सब कुछ घट गया। आप कहते हो माता जी अब तो कंप्यूटर, अरे क्या फर्क पड़ता है। हमारे यहाँ तो वो ज्ञान था कि व्यक्ति उंगलियों पर 20 और 20 को गुणा करके बता देता था। आज के बच्चे को 2 और 2 जोड़ना हो तो कैलकुलेटर चाहिए, क्योंकि बाप जब कंप्यूटर चलाएगा तो बेटा दिमाग क्यों चलाएगा। आज हमारे यहाँ वो अंदाज था, हर महिला घर में कोई नमकीन मीठा बनाए अंदाज से डाल देती थी और बिल्कुल सही निकलता था। हमारे बुजुर्गों ने कोई तौल नहीं कर रखी थी तब भी ठीक निकलता था। आज सब नाप नाप कर डालो। पहले लोग पेट भर खाते थे, अब प्लेट भर खाते हैं, और प्लेट भर भी नहीं खाते हैं। किसी के घर जाओ तो उसका सामने वाले का बेचारा 1000-2000 का खर्चा हो जाता है और तुम नहीं नहीं रहने दीजिए लेकर आए हैं लेकर। तुमने कि लेकर आए तो यहाँ आए काहे को, जब घर से ही लेकर आए तो यहाँ आए काहे को। उसके इतने पैसे खर्चा करा दिए और तुम्हारे नक्शे कम नहीं होते, और वो भी काजू किसमें सब प्लेट में लगा के रखता है और फिर बाद में कहता है एक आध तो लीजिए, यानी ज़्यादा मत ले लेना, एक आध ही लेना, ये अगले बार दूसरों को काम आएगा। हमारी औपचारिकताएं बहुत बढ़ गई। हमारा सामान्य जीवन, हम जब तक जीवन में सहजता नहीं लाएंगे तब तक हम कभी भी सुख और शांति को नहीं पा सकते हैं। तो उस महिला ने बाजू बंद बनाया और गीतों का प्रोग्राम, छोटा मोटा गांव के लोगों को बुलाया, गीतों का प्रोग्राम कराया। और गीत जब हो रहे थे तो लास्ट में उसने अपने बाजू बंद उठा उठा के ऐसे पल्ला ऊपर करती और कहती तुम भी तो लो बतासे, तुम भी तो लो, तुम भी तो लो, एक एक को देती। लेकिन किसी ने कहा ही नहीं कि जी जी ये बाजू बंद कब बनवाया। उसे तो बहुत गुस्सा आई और उसने चूल्हे में लकड़ियाँ लगी हुई थी, लकड़ियों को इधर उधर फेंक दिया, जलती लकड़ियों को फेंक दिया, घास का झोंपड़ा था तो आग लग गई। आग लग गई तो लोग अपने घर घर से पानी ले लेके भागे, पास पास झोंपड़े थे सब पानी ले लेके भागे। तो जल रही है झोंपड़ी, उसका ध्यान नहीं है, कह रही यहाँ पानी डालो, यहाँ पानी डालो, इधर डालो ना, इधर डालो ना। उस टाइम भी हाथ उठा उठा के कह रही। तो एक औरत बोली जीजी ये नया बाजू बंद कब बनवाया। बोली आग लगी पहले पूछ लेती तो घर में आग ही काहे को लगती। अपनी भी हालत ऐसी है, हम कोई कपड़ा लाए तो लगता है कोई देख ले, कोई जेवर लाए तो लगता है कोई देख ले, सुंदर बने सज धज कर जाए तो लगता है कोई देख ले। अरे इसको क्या देख ले, यदि सुंदर देह प्राप्त करना है तो वो देह प्राप्त करो जिसे देखने के लिए 3 लोक लालायित हो जाए। कहा है ज्ञान ध्यान तपो रखता तपस्वी सब प्रशस्ते, वो प्रशंसा के योग है, प्रशंसनीय है वो ईश्वर के योग है, आराधना के योग है जो ज्ञान ध्यान और तप में लगा देता है। आप सबसे पहले छलांग भरती हो,
ना ज्ञान आता है, ना ध्यान आता है, सबसे पहले तुम तपस्या में गुंज जाती हो। अरे ज्ञान आएगा तो चिंतन बदलेगा, तो ध्यान हो जाएगा, और जब ध्यान होगा तो जो कुछ होगा वो तपस्या हो जाएगी। ज्ञान का मतलब शब्द ज्ञान नहीं है, अभ्यंतर का वेद विज्ञान है, और जब वेद विज्ञान आता है तो बाह्य पदार्थ नजर आने लगते हैं। सच पूछो तो पुद्गल परमाणु, अभी तक तो हमें तन उपजती अपनी उपज जान, अभी तो ये लगता है कि मेरे जन्म, मेरी देह का जन्म, मेरा जन्म लगता है, और मेरे देह का मरण, मेरा मरण लगता है। अभी तो कोई गालियां दे दे तो अपमान लगता है। ये सोचो, गालियां तो दी है, पुद्गल वर्गनाए हैं, कान से टकराई और समाप्त हो गई। पुद्गल शब्द भी पुद्गल वर्गनाए हैं, इसके मुख से निकली और नष्ट हो गई। इतना ज्ञान जिस समय आ जाएगा, उस समय दुनिया की कोई ताकत, यदि कोई हमारे देह को भी काटेगा तो यही ख्याल आएगा कि देह को काट सकता है, मुझे तो काटने की शक्ति नहीं। देह तो आज मरी या कल मरी, मरना तो देह मरती है, देह तो बदलती है। पुराने कपड़े को छोड़ते हो और नया कपड़ा मिल जाए तो कितनी खुशी होती है। और देह तो एक कपड़े की भांति है। जो ज्ञानी होते हैं, संपत्तिवान होते हैं, वो पुराने कपड़े को छोड़ देते हैं और नए कपड़े को पहन लेते हैं। इसी प्रकार से यहाँ जो ज्ञानी है, ज्ञान ध्यान तपो रखता, जो ज्ञानी है वो उस ज्ञानी की बात नहीं कही, भेद विज्ञानी की बात कही। उसे वन उपवन पर साध कुटी में नहीं खेद नहीं ममता, उसे कोई फर्क नहीं पड़ता कि वन है या उपवन है, उसे तो जहां बैठ जाए अपने आप में बैठता है। जो भी अच्छे शब्द हो वो भी उसे पुद्गल की वर्गनाएं लगती हैं, और यदि गाली दे दे तो भी पुद्गल की वर्गनाएं लगती हैं। उसे तो ये पता है कि ये तो पर्याय है, उन्मज्जंती निमज्जंती जल कल्लोल वज्जले, ये तो अच्छे रूप में या बुरी रूप में पर्याय तो आएंगी और जाएंगी। मेरा स्थिर तत्व जिस प्रकार से पनहारिन पानी का घड़ा लिए रहती है, बातें भी करती है, हाथ भी हिलाती है, लेकिन घड़े पर ख्याल होता है। आज देखो, पहले महिलाएं पानी भरने के लिए जाती थी, और उसमें भी क्या आनंद था, 8-8, 10-10 महिलाएं टोलियां बनाकर पूरे रास्ते पानी भरते हुए चली जाती थी और बातचीत भी करती जाती थी, और उसमें गीत भी गा लेती थी, घरों की बातचीत भी कर लेती थी, और पनिहार ने एक दूसरे का घड़ा भी उठवा दिया करती थी। ये हमारे प्रेम और वात्सल्य का प्रतीक था। पानी की वाणी थी, वाणी भी बहुमाननीय थी, और इसलिए पानी भी बहुमान था। पीने का पानी कभी नीचे नहीं रखा जाता था, पीने का पानी सिर पर आता था और ऊपर रखा जाता था। जहां पीने का पानी होता था वहां कोई अशुद्ध कपड़ों में भी नहीं जाते थे। वहां छोटे बच्चे जो बाजार से घूम कर आते थे वो परिंडे को हाथ नहीं लगाते थे। आज भी राजस्थानियों में एक परंपरा है कि ये परंपरा है कि जब ये आती आपकी तीज, रोड तीज 10 लक्षण के पहले, उस पर पानी के परिंडे बदले जाते हैं, यानी पानी के घड़े बदले जाते हैं। हम उन घड़ों बदलने की बात नहीं करते हैं, हम तो कहते हैं हमारा जीवन भी वाणी बदलना चाहिए। आजकल आपको पता है, पहले लोग कहते हैं माँ जी, बाऊ जी, दादी जी, ससुर जी, अम्मा जी, ऐसे बोलते थे।
आजकल अपने हस्बैंड को भी, अपने पति को भी हस्बैंड कहने लगी। पहले पति देव कहते थे, पति देव, देव की तरह उसकी बुद्धि पवित्र होती थी। पत्नी श्रीमती कहलाती थी, श्री याने लक्ष्मी, श्री याने लक्ष्मी होती थी। श्रीमती कहलाती थी, आजकल तो श्री खत्म ही हो गया। आजकल तो वाइफ हो गई जो पति की लाइफ को भी चौपट कर दे, वो वाइफ हो गई। परम पूज्य समिता शिरोमणि, हरियाणा उद्धारक, जिनधर्म प्रभाविका आरिका रत्न, 105 श्री सृष्टि भूषण माता जी की पावन प्रेरणा व मंगल आशीर्वाद से श्री आदि सृष्टि कैंसर ट्रस्ट द्वारा त्यागी व्रतियों हेतु तीर्थराज समेद शिखर जी अतिशय क्षेत्र श्री महावीर जी एवं महानगर दिल्ली में शुद्ध आहार की व्यवस्था के साथ विहार पिछी कमंडल शास्त्र एवं औषधि हेतु संपूर्ण योजनाएं संचालित हो रही है। इतना ही नहीं, भारतवर्ष के विभिन्न प्रांतों में जरूरतमंदों के कल्याणार्थ दिव्यांग शिविर, सुपर स्पेशलिटी चिकित्सा शिविर, कृत्रिम अंग प्रत्यारोपण एवं उपकरण वितरण, ट्राईसाइकिल एवं गरीब महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने हेतु सिलाई मशीन आदि का वितरण जैसी सेवाएं दी जा रही हैं। आप भी श्री आदि सृष्टि मंगलम ट्रस्ट से जुड़कर इस परम पुनीत महाअभियान में अपनी सहभागिता सुनिश्चित करें। योजना निम्न प्रकार है: परम शिरोमणि संरक्षक 151,000, शिरोमणि संरक्षक 111,000, संरक्षक 51,000, आजीवन सदस्य 31,000, सामान्य सदस्य 21,000, वार्षिक सदस्य 11,000। सहयोग राशि जमा कराने हेतु बैंक खाता विवरण: खाता नाम श्री आदिनाथ सृष्टि धर्म प्रभावना समिति, बैंक का नाम पंजाब नेशनल बैंक, शाखा का नाम पटपड़गंज दिल्ली, खाता संख्या 3979001001312, IFSC कोड B03979900। श्री समेद शिखर आदिनाथ आदर्श सेवा समिति, बैंक का नाम बैंक ऑफ इंडिया मधुबन पारसनाथ झारखंड, खाता संख्या 4809101000375, IFS कोड BKID000489। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें 9660403861, 8107961146।